जब जागो तो क्या करो, जागते ही मुख से भगवान का नाम कहो, राम राम तेही सुमिरन कीन्हा। आंख खुलते ही मुंह से क्या निकलना चाहिए, राम राम या तो कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, सीता राम सीता राम, यही भगवान के नाम निकले। आदत बनाइए कि आप ऐसी आदत, कई बार ना, अच्छा आप सड़क पार कर रहे हैं और अचानक सामने ट्रक आ जाए तो मुंह से क्या निकलता है, क्या निकलता, नहीं 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 निकलता रे राम, झूठ ना बोलो, क्या निकलता सच्ची बताओ, क्या निकलता, अरे बाप रे, हाँ कि ना, हाँ। आप सड़क पार करें और अचानक ट्रक आ जाए या कुछ भी तो अरे बाप रे निकल जाए, अरे बाप रे, क्यों क्यों निकलता है अरे बाप रे, क्योंकि अभ्यास है ना। हम तो आपसे ये कहेंगे कि भगवान के नाम जपने का इतना अभ्यास करो, इतना अभ्यास करो कि जब यमराज आवे तो यमराज को देख के भी जोर से भगवान का नाम ही मुंह से निकले, बेटा बेटी घर परिवार ना निकले, भगवान का नाम इतना अभ्यास करो। और ये कब संभव है, अधिक जाप करिए, अधिक सोते जागते खाते पीते नहाते, कैसे भी हो कहीं भी हो कुछ भी हो, बस भगवान का नाम रहे, नाम ना भूले भगवान का। अजामिल जैसे पापी को इसी नाम ने तो पार लगाया है, नाम की बड़ी महिमा है, इसलिए काम करते जाना नाम जपते जाना। हाँ जी भक्तो, तो जागने में धर्म है, जब आप जागा करो तो सबसे पहले भगवान का नाम लेकर दोनों हाथों का मंथन करना चाहिए, ऐसे ऐसे, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। दोनों हाथ का ऐसे मंथन करो और यहां दर्शन करो, कराग्रे करके अग्रभाग में कराग्रे वसते लक्ष्मी, यहां लक्ष्मी का वास है, कर मध्य सरस्वती, यहां सरस्वती का, कर मूले पूरे हथेली में गोविंद का अर्थात भगवान कृष्ण का राम का वास है। तो हाथ खोल के सबसे पहले अपनी उंगलियों में माता लक्ष्मी का ध्यान करो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, फिर मध्य भाग में सरस्वती माँ का, लक्ष्मी का दर्शन सुबह सुबह इसलिए करना चाहिए ताकि 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 आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आप कभी भी लक्ष्मी का दुरुपयोग ना करें, इसलिए सवेरे लक्ष्मी का दर्शन। लक्ष्मी कौन है हमारी, कौन है हमारी, माता है, ओम जय लक्ष्मी माता। अब आप हमारी बात समझिएगा, जब लक्ष्मी हमारी माता है तो क्या किसी बेटे को अपनी माँ के साथ गलत व्यवहार करना चाहिए। अब देखिए, ये देखिए, ये लक्ष्मी हमारी माता है, हाँ कि ना। अब ये लक्ष्मी को आपने माँ कह कहा है तो आप इस लक्ष्मी को ले जाकर के शराबी को दे दें, भाई जरा एक बोतल निकालना, तो जब आप अपनी माँ को शराबियों के ठेके पे देंगे, शराबियों को देंगे, तो ये माँ आपसे गुस्सा होगी कि प्रसन्न होगी, माँ नाराज हो जाएगी कि मैं तेरे पास आई और तूने देख मुझे शराबी को पकड़ा दिया, गलत जगह पे दे दिया। जब आप अपने धन का दुरुपयोग करते हैं तो ये लक्ष्मी माता सदा सदा के लिए तुमसे रूठ जाती है। आज जितने लोग भीख मांग रहे हैं, ये पिछले जन्म में करोड़पति अरबपति थे, फिर आज भीख क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने
धन पाकर धन का सिर्फ दुरुपयोग किया है, केवल दुरुपयोग किया है। धन मिला तो शराब पी ली, वैश्याओं में लुटा दिया, मुजरा में लुटा दिया, व्यर्थ की खाने पीने में गलत संगत में लुटा दिया। लक्ष्मी बोली, अच्छा बेटा मेरा दुरुपयोग बहुत किया है, वो तो तुम्हारे पुण्य से मैं तुम्हारे पास आई थी, पर तुमने तो मेरा दुरुपयोग किया, अब अगले जन्म में मिलते हैं। कई लोगों की तो इसी जन्म में हालत खराब हो जाती है और बची खुची फिर अगले जन्म में निकलती है, तो अगले जन्म में सीधे कटोरा सी शुरुआत होती है, हाथ में कटोरा। आपने यदि धन का दुरुपयोग किया है तो सिवाय कष्ट के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं, सिवाय दुख के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। इसलिए जब आपके घर में माँ भगवती लक्ष्मी जी आवे, एक एक रुपए घर में हो, तो सदा उस धन का सदुपयोग कीजिएगा। जब आप धन का सदुपयोग करते हैं तो लक्ष्मी बढ़ते क्रम में होती है। अरे भाई मेरे घर में 10 किलो गेहूं है, तो अब गेहूं को बढ़ाना होगा तो मैं क्या करूंगा, खेत में 10 किलो में बो दूंगा तो 10 किलो बोऊंगा तो 4 महीने के भीतर हमारे घर में कुंटलों से गेहूं आएगा कि नहीं। 10 किलो से कुंटलों से गेहूं आ सकता है 10 किलो का। अब आप सोचो कि जब आप बोए हो, सदुपयोग किया है तभी तो बढ़ा, और घर में 10 किलो रखा रहता तो रखा रखा और खराब हो जाता, कीड़े लग जाते, घुन जाता, हाँ कि ना, और बो दिया तो बढ़ जाएगा। बस धन जब तुम्हें मिले तो सिर्फ सदुपयोग करना। और धन का सदुपयोग क्या है, धन का सदुपयोग क्या है वो भी मैं आपको बताऊं। दुरुपयोग तो शराब पीना है, मांस खाना है, पैसों से मांस लाए हो, अंडा मुर्गी लाए हो, ये दुरुपयोग है। सुरा सुंदरी में उड़ा रहे हो, ये दुरुपयोग है। किसी को नीचा दिखाने में पैसा खर्च कर रहे हो, ये धन का दुरुपयोग है। अच्छा धन का सदुपयोग क्या है, धन का सदुपयोग है कि आप सबसे पहले तो अपने घर में दाल रोटी की व्यवस्था करो, पैसे से खूब पेट भर के खाओ, है ना। आप स्वयं आप बढ़िया खाया करो, बढ़िया देसी घी का हलवा भी खाया करो, बादाम का खाया करो कभी कभी, रोज नहीं, हाँ रोज खाओ बढ़िया चकाचक, बढ़िया दूध पियो, बढ़िया चकाचक खाओ। लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी जब आप प्रेम से खाएंगे, संतुष्ट होंगे, डकार लेंगे, वाह आज तो आनंद आ गया खाने में, अच्छा अच्छा खाइए, बच्चों को खिलाइए, आप अपने को स्वस्थ रखिए। और जब आपको खाने से थोड़ा सा पैसा बचे तो अपने लिए बढ़िया सा एक घर बनवाइएगा, है ना। आप अपने लिए क्या बनवाइएगा, रहने को घर तो होना चाहिए भगवान की कृपा से सबके पास। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे भारत में जितने लोग रहते हैं सबके पास रोटी कपड़ा मकान तो होना ही चाहिए आपकी कृपा से, कोई भूखा ना रहे, कोई बिना घर के ना रहे, कोई बिना वस्त्र के ना रहे। हम तो बिहारी जी से सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, सबके सिर पर छाया हो, सबके बदन पर कपड़े हो, सबके पास पेट भर रोटी हो, हमारी तो यही दुआ है सबके लिए।